दोस्तों, जब फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बंद था तब आप पर क्या बीत रही थी, अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वैसे आपके लिए अच्छी खबर है कि ये तीनों सेवाएं अब फिर से शुरू हो गई हैं। अगर आपकी ये सेवाएं शुरू नहीं हुई हैं तो एक बार अपने फ़ोन को बंद कर दोबारा ऑन कर लीजिए, आपकी ये सेवाएँ फिर से शुरू हो जाएंगी। हम आपको बता दें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कल रात 9 बजे से लेकर सुबह 3:30 बजे तक लगभग 6.5 घंटे तक ये बंद रहे और इनकी जो सर्वर थे वो डाउन होने के कारण ये दिक्कत आई थी, ऐसा फेसबुक का कहना है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ यूके में लगातार रिपोर्ट्स के बाद इन तीनों सर्विसों का डाउन होना तय था, लेकिन फेसबुक के मालिक जकरबर्ग ने ऐसा कहा कि जो भी हुआ इसके लिए उन्हें खेद है और उन्हें पता है कि आप लोगों से कनेक्ट होने के लिए हमारी सेवाएं कितनी ज़रूरी हैं, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हालांकि फेसबुक की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि फेसबुक को करीबन 200 से 300 करोड़ रुपये का कुछ ही घंटों में इन चीज़ों की वजह से नुकसान हो गया। जब ये तीनों सेवाएं बंद थीं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको अब खुशी है कि ये तीनों सेवाएं शुरू हो गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।